अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपने देखा जिस तरह से मैंने काफ़ी कबूतर आते रहे मगर पकड़ा नहीं कोई गया था। तो आज मैं ना देख रहा था कि मेरी मादी एक उड़ी हुई थी, वो मैं जो है ना ऊपर आया हूँ तो मुझे देख के ना अक्सर बार कबूतर उड़ जाया करते हैं। तो इस वजह से ना मैंने देखा ऊपर के एक मादी उड़ी हुई है और नीचे आया हूँ, मतलब दाना शाना मैं लेके आया हूँ नीचे से और दाना डाल रहा हूँ ये देखें जी कबूतरों को। तो एक इनमें दोस्तों बच्चा जो है ना वो उतरा हुआ है, तो मैं पता कोई नहीं चला, ठीक है। वो मैंने जब देखा ना उसकी दुम भी कोई नहीं और पार कोई नहीं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ले दोस्तों अभी ये देखें जी, ये जी वो बेपी जन है, बैठे देखें किस तरह की कार रहा है ये वाला, ठीक है। आज दोस्तों मौसम जो है ना वो ख़राब हुआ था, सुबह की बारिश हो रही थी जी और काफ़ी बादल छाए हुए थे, जिनमें मुझे लग रहा है कि ये बच्चा किसी का जो है ना आगे पीछे हो गया ये वाला, ये नज़र आ रहा है जो तो दाना दोस्तों उठा रहा है। बहरहाल जो है ना मैं इसको स्टैंड पे कैमरा लगाता हूँ, साथ में जी इसको दाना डालते हैं तो पकड़ते हैं, आपको भी दिखाते हैं दाने से मैंने जो है इसको उठा लेना। क्योंकि मेरे तो जो बच्चे छोड़े हुए हैं मैंने या दूसरे तीसरे कबूतर छोड़े हुए हैं ना वो तो देखे ना काफ़ी हो गए हैं, परों में आ गए हैं। तो ये जो है ना मुझे फिर पता चला है कि यार ये तो कोई और ही है। ये देखे जी मैंने सफाई सफुई आज की थी दोस्तों, ऊपर से कहाँ चला गया, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये दाना उठा रहा है जी। इसको यहीं से पकड़ लेते हैं, ले दोस्तों पकड़ा गया ये जी, ये जी पकड़ा गया बच्चा। वेट शेट तो इसका जो है ना वो बिल्कुल है ही कोई नहीं, जिस तरह लग रहा है किसी का मेरे ख्याल में सुबह का निकला होगा। और जो चीज मैं देख रहा था ना पंजों में, क्या यार बारीक नलियां हैं दोस्तों इसकी, ये देखें पंजे देखें कैसे बारीक बारीक ये होने चाहिए जी कबूतरों का वैसे पंजा जो परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये मैं बात कर रहा था आपके साथ कि इस तरह जो है ना मैंने चोर सुच लगाए हुए थे बच्चों को, जिनमें से एक सरजी वाला था वो उस दिन नहीं जी बैठ सका था, आपने देखा था जिस तरह से, और दूसरा मेरे पास वो पट्टी है हमारी होम ब्रीड उसको लगाया। तो बाकी मैं सारे देख रहे थे यार मेरे कबूतर मतलब इस तरह के है ही नहीं, और ये जो कलर इसको लगा हुआ है ना पिंक ये मेरा कलर नहीं है, ठीक है। तो अभी कलर तो खैर मैंने लगाए भी कोई नहीं ना। तो बाकी दोस्तों इसके पर्पल की अगर बात करूँ ना यार, पर जो है ना वो बहुत प्यारा है इसको लगा हुआ, ये देखें जी दोस्तों लेंथ देखें परों की, बाजू देखें कितना लंबा है, ये देखें नजर आ रहा है बाजू तकरीबन लगा लें एक गिठ का बाजू जाना इसका बन रहा है। माशाल्लाह बच्चा काफी अच्छा है जी, किसी का चोर सुच लगाया हुआ है किसी ने, ये देख लें ये बच्चे ने कली शली नहीं गिराई, यहाँ से चोर सुच लगा हुआ है, ये देखें ये चोर सुच लगा हुआ है इसको। बाकी पल्ला दोस्तों मैं देखती रह गई हूँ यार, पल्ला माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है इसका। तो नीचे से देखें इसकी ये सिप निकल आई है उड़ उड़ के बच्चे की, बच्चा मेरे ख्याल में घर ढूंढता रहा जी। और ये बात कर रहा था आपको, ये देख रहे हैं चोर सुच के साथ साथ तेल के भी पार जो है ना वो सारे खेचे हुए हैं। ये मैं दुम मैंने देखी है कि मेरा इस तरह का कोई भी नहीं है जिसकी दुम मतलब इस तरह की हो, क्योंकि अब ऊपर कबूतर ही माशाल्लाह इतने ज्यादा है, आपने देखा जिस तरह से फिर कबूतर का ना पता नहीं चलता। ओह दोस्तों आंख देखें इसकी माशाल्लाह से कितनी प्यारी है यार, ये देखें जी आंख तो मैंने अभी देखी है दोस्तों। ये बच्चा जो है ना मेरे ख्याल में किसी का भटक रहा है जी, आज का भटक रहा है या कल का रात रुका हुआ है या इस तरह का कुछ ऐन चक्कर है इस बच्चे को। माशाल्लाह से बच्चे ही बहुत प्यारे है यार, ये देखें ना सर्दी की वजह से सर्दी मना रहा है, ये देखें बच्चा, ठीक है। तो दाने में डाल रहा था मुझे कोई नहीं पता, ये देखें ना दाना कितना खा गया, ये मुझे कोई पता नहीं चला कि यार ये मतलब कब का आया हुआ है ऊपर बैठा है या क्या ऐन चक्कर है बच्चा। ये बहुत काम की चीज है ये वाला, बड़ी काम की चीज है, इंशाल्लाह हमारे पास जो है ना इसने मजा देना है उड़ने वाला, हमें काम आएगा इंशाल्लाह। चलो खैर दोस्तों इसको अभी जो है ना हाल की घड़ी में पीछे कर देता हूँ, अपने दूसरे मतलब छोड़ देता हूँ, अपने कबूतरों में नहीं छोड़ूंगा, पीछे वाली जाफरी जो है ना उसमें मैं जो है ना कबूतर इस तरह के डाल दी रख दिया करता हूँ। बाकी यार बच्चे को मैं पलटाई करता हूँ, ये देखें बच्चे के नीचे से भी कितनी सिप निकल आई है। और ये दोस्तों बात होती है किस्मत की, ठीक है, जब मतलब मैं ऊपर होता हूँ कबूतर बारा कोई आया होता है उसको छेड़े करा करा के मर जाते हैं, मगर वो बैठता नहीं किसी और के पास जाके बैठ जा। और आज देखे ये जो है ना खुद ब खुद ही उतरा हुआ है और मैं दाना डाल रहा हूँ, हालांकि मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब का जो है ना वो उतरा हुआ है, इस तरह से मैंने दाने डाल रहा हूँ ऊपर, जब मेरे वो पाँव में आया है ना तो मैंने देखा है कि यार ये कहाँ से आ गया। फिर मैंने चलो यार सब भाइयों को भी साथ में शेयर करते हैं जी। तो बाकी दोस्तों ये ठीक है जी, इसकी मैं पलटाई शटाई करूंगा जी अभी। तो वैसे जो है अगर बात की जाए ना तो थोड़ा सा ये देखना जोर लगाया हुआ है इस बच्चे ने, ये देख रहे हैं
जोर लगाया हुआ है, क्योंकि मौसम जो है ना, आज आपको बता रहा हूँ, चलो दिखा भी देता हूँ, ये देखें हवाएं देखें दोस्तों चल रही हैं। और काफी भाई बोल रहे थे कि यार आपके बच्चों को, बड़े कबूतरों को जो ना इन झंडों की वजह से मसला जो है ना वो बनता है बैठने में। तो खैर दोस्तों, अब जो है ना वो कुछ भी नहीं होता इन चीज़ों से, ये इतना बड़ा मेरे पास व्यू है बच्चों का, तो यहाँ पे आके बैठ जाया करेंगे, कोई नहीं इतना डरने डरने वाली बात, क्योंकि वो अब दूसरा सिस्टम आप समझ सकते हैं सारी बातों को। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।